केंद्र सरकार के वकील यानी केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार का पक्ष रख रहे हैं और उनका ये कहना है कि जब बिल तैयार किए गए थे उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी से बात की गई थी, एक्सपर्ट कमेटी में काफी जाने माने लोग रहे थे और उन कमेटी ने जिस तरह से अपनी राय दी थी उसके आधार पर ही हमने ये कानून बनाए हैं, कानून पास भी हुए हैं और संसद में पूरी बहस के साथ इसको किया गया है। और अभी हमारी संवाददाता अनिशा माथुर वो अंदर से हमें बता रही हैं कि कोर्ट ने ये कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि आप कानून रद्द करो, हम इस पर नहीं सुन रहे हैं और हम बहुत तरह की चीजें सुन रहे हैं कि कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए या नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी कोर्ट ने की है। हमारा उद्देश्य सीधा है कि समस्या का समाधान निकले। जो मैं बता रहा था कि कोर्ट ने लगातार, जब तक मैं वहां से अंदर से आया हूं तब तक कोर्ट बिल्कुल नाराज है और कोर्ट ने कहा कि हम आपके रवैये से बिल्कुल निराश हैं। एसजी ने बोलना चाहा तो सीजीआई ने टोका कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का। आप जिस तरह की दलीलें दे रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि आप भी समस्या के हिस्सा हैं और आप भी समस्या से जूझ रहे हैं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दो टूक पूछा है कि क्या आप कानून को होल्ड कर रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, पिछली बार आपने कहा था कि हम सरकार से पूछ कर बताएंगे, अगर आप इसे होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो हम कर दें क्या? हम कर देंगे इसे होल्ड। संजय, ये बहुत बड़ी बात है। कहा कि स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है, किसान आत्मा जी संजय बताते जाइए। ये भी टिप्पणी की कि स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पानी की सुविधा नहीं है, बेसिक सुविधा नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, इसके अलावा वहां पर कोविड के मामले आ रहे हैं, उनसे बचाव का क्या इंतजाम है? तो किसान संगठनों से सीजीआई ने पूछा है कि आखिर इस ठंड में महिलाएं और बुजुर्ग लोग क्यों शामिल हैं, उनको क्यों यहां पर रखा गया है, क्या उनकी सुरक्षा को लेकर उनको चिंता नहीं है? तो अभी सुनवाई यहां तक आगे बढ़ी है। अभी बस अपने दर्शकों को ये अपडेट करने के बाद मैं एक बार फिर अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि आगे इसमें सुनवाई क्या चल रही है। लेकिन फिलहाल कोर्ट का रवैया आक्रामक है। कोर्ट ने सरकार से दो टूक पूछा है कि आप इस समस्या के समाधान के लिए इतने दिन बीत गए, 8 दौर की बातचीत हो गई, बातचीत संजय क्यों नहीं? संजय मैं बाकी अपडेट आपसे लूंगी, संजय शर्मा बाकी अपडेट आपसे लूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ मैं रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, केंद्र सरकार से काफी नाराज सुप्रीम कोर्ट लग रहा है और तमाम टिप्पणियां जो भी बातचीत वहां पर हो रही है संजय शर्मा सीधा सुप्रीम कोर्ट से हमें जानकारी देंगे इस ब्रेक के बाद।